राजस्थान अलवर जिले के रहने वाले अरमान जी बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं अपने मामा जी के साथ ट्रेलर चलाया करता था, जो कि ऑल इंडिया चलता था। मतलब कि इंडिया में हर जगह हम लोग गुवाहाटी से राजस्थान जयपुर की ओर आ रहे थे। देर रात यहीं कोई 12 बजे के करीब जब हम लोग कानपुर इटावा हाईवे NH2 पर पहुंचे, तो उस वक्त मैं सो रहा था और मामा जी की आंख भी भारी होने लगी थी। ऐसे में उन्होंने मुझे उठाते हुए कहा, अरमान, ओ अरमान, उठे यार, अब मेरे से और ड्राइव नहीं हो पा रहा यार, कुछ देर तू चला ले यार। मामा जी के कहने पर मैं उठा और मुंह पर पानी वानी मारने के बाद मैंने वहां से ट्रेलर चलाना शुरू किया। अगले 20 मिनटों में मामा जी गहरी नींद में खो गए और उनकी खरांटों की आवाजें मुझे जगाने का काम करने लगी। ट्रेलर की स्पीड भी अच्छी खासी थी और ट्रैफिक ना होने के कारण मुझे भी ड्राइव करते हुए कोई परेशानी पेश नहीं आ रही थी। और अगले 2 घंटे आराम से बीत गए, मगर 2 घंटों के बाद यानी यही कोई रात के 2 बजे मुझे फिर से नींद आने लगी थी। मगर मैं किसी तरह से उबासियां लेता हुआ ट्रेलर चलाता ही रहा। तभी मुझे लगा कि सड़क के बीचों बीच कोई गाड़ी खड़ी है। मैंने तुरंत ही ट्रेलर की रफ्तार कम कर दी और जब उस गाड़ी के पास पहुंचा तो पाया कि वो एक JCB मशीन है जो सड़क के बीचों बीच पार्क है, और तो और कोई आसपास मौजूद भी नहीं है। मैं ट्रेलर को साइड से निकालते हुए यही सोच रहा था कि कैसे लापरवाह लोग हैं, ऐसे में किसी की जान भी जा सकती है। अभी मैंने उस JCB को क्रॉस किया ही था कि मुझे कुछ ही दूरी पर 10 से 12 लोग दिखे जो सड़क पर जमा थे। मैंने उन्हें हॉर्न दिया मगर वो लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। इतनी भी जगह नहीं थी कि मैं उनके साइड से ट्रेलर निकाल पाता, लिहाजन मैंने ट्रेलर रोक दी और उन लोगों को आवाज देते हुए बोला, अरे भाई साहब, थोड़ा रास्ता तो दे दो। मगर उनमें से कोई ना तो हिला और ना ही किसी ने कुछ कहा, जबकि मैं उनसे बार बार रास्ते से हटने के लिए कहे जा रहा था। वो लोग तो नहीं हटे मगर मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मामा जी की नींद जरूर टूट गई। तभी मामा जी अपनी आंखें मसलते हुए मेरे से बोले, अरे भाई क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहा है यार? तो इस पर मैंने उनसे कहा, अरे देखिए ना मामा जी, ये लोग पूरा रास्ता घेरे खड़े हैं, हट ही नहीं रहे हैं वहां से। इस पर मामा जी ने उठकर सामने की ओर देखते हुए कहा, कौन लोग, यहाँ तो कोई भी नहीं है यार। इस पर मैं उनसे बोला, अरे ये लोग। मैं इतना कहते ही एकदम से रुक गया क्योंकि जब मैंने सामने देखा तो सच में सामने कोई नहीं था, पूरा रास्ता खाली ही पड़ा था। फिर मामा जी ने कहा, अगर नींद भी आ रही हो तो मैं चला लेता हूँ यहाँ से। इस पर मैंने कहा, अरे नहीं नहीं मामा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आराम कीजिए, मैं ही चला लूँगा। फिर मामा जी वापस लेट गए और मैंने ट्रेलर वहाँ से स्टार्ट की। अभी मैं कुछ दूर आया ही था कि मुझे फिर से सड़क के बीचों बीच 5 लोग खड़े नजर आए। मगर मैं जैसे ही उनके करीब पहुंचा तो वो 5ों एकदम से हवा में छू मंतर हो गए। ये देखकर मेरे तन बदन में बिजली सी कोंद गई और डर के मारे मैंने ट्रेलर की स्पीड बढ़ाते हुए अब 70 कर दी। अब मेरे तो पसीने छूट रहे थे और ट्रेलर को भगाते वक्त मैं यही सोच रहा था कि अब आगे क्या होगा। कि तभी मुझे हाईवे के बीचों बीच 3 लोग खड़े नजर आए। इस बार मैंने ट्रेलर की स्पीड जरा सी भी कम नहीं की और मैंने उसी स्पीड में ही ट्रेलर उन 3ों के बगल से निकाल दिया। मगर अब मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और मैंने मामा जी को उठाने के लिए उनकी तरफ देखते हुए कहा, अरे मामा जी, कि मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। दरअसल मामा जी के सिरहाने कोई बैठा हुआ था, उसे देखकर मेरी दोबारा आवाज ही नहीं निकली। मैं कपकपाते हुए ट्रेलर चलाता रहा। तभी सामने फिर 3 लोग आ गए और जैसे ही ट्रेलर उनके करीब पहुंचा तो उनमें से 2 लोग छूमंतर हो गए। तभी एक आदमी से ट्रेलर जोर से टकराया और उसे कुचलते हुए आगे निकल गया। अब मैं हदास और डर से रोए जा रहा था, मेरे थरथराते हाथ अब ट्रेलर को संभाल ही नहीं पा रहे थे, कभी ट्रेलर दाएं जाता तो कभी बाएं। मैं इसी बीच
ये उम्मीद कर रहा था कि बस मामा जी किसी तरह से उठ जाएं, मगर मामा जी तो ऐसी नींद में थे मानो कि वो अब मर चुके हों। कि तभी मुझे अपने कंधे पर कुछ महसूस हुआ। जब मैंने अपने कंधे की तरफ देखा तो कुछ सफ़ेद सी चीज़ मेरे कंधे में धसे जा रही थी, और उसे देखते ही मैं इतना ज़्यादा घबरा गया कि मैंने स्टीयरिंग व्हील एकदम से छोड़ दी। और तभी ट्रेलर साइड के डिवाइडर को तोड़ते हुए एक बड़े से पेड़ से जा भिड़ा। पेड़ से टक्कर होते ही मेरा सिर भी जोर से स्टीयरिंग व्हील पर लगा, और कुछ देर के लिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब आंखों के आगे से अंधेरा छटा यानी कि मैं होश में आया, तो मैंने पाया कि मामा जी अभी भी सोए पड़े हैं और अब वहां पर कोई और नहीं है। तभी मैंने मामा जी को जगाने की पूरी कोशिश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने किसी तरह से ट्रेलर स्टार्ट की और ट्रेलर को वापस हाईवे पर लाया। मैंने अभी ट्रेलर को हाईवे पर लाया ही था कि मुझे ऐसा लगा कि ट्रेलर पर लोड आ गया हो। जब साइड मिरर में देखा तो बहुत सारे लोग पीछे लदे हुए थे, सभी के सभी बेहद डरावने थे। मैं उस वक्त ट्रेलर को भगाता ही रहा, और जब मुझे एक जगह रोशनी दिखी तो मैं ट्रेलर को सीधे उसी तरफ ले गया जहां पहले से ही कई गाड़ियां खड़ी थी, और उन गाड़ियों के बगल में एक शिवाला यानी कि शिव मंदिर था। जैसे ही ट्रेलर वहां पहुंचा कि वो सभी शैतान एकदम से गायब हो गए, और पता नहीं कैसे मामा जी की नींद भी एकदम से टूट गई। जब उन्होंने मेरा डरा सहमा चेहरा देखा तो उन्होंने पूछा, अबे क्या हुआ तेरे को? और फिर जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन्होंने कहा, हाँ वैसे मैंने सुना तो था कि NS2 का रास्ता हॉन्टेड है, मगर मैं पहले भी कई बार इसी रास्ते से आया गया हूँ और मैंने एक बार भी हॉन्टेड जैसा कुछ फील नहीं किया है। खैर हाईवे पर तो ऐसे हादसे आम हैं। मामा जी की बात तो सही थी, मगर मेरे ही पीछे वो शैतान क्यों पड़े और वो JCB मशीन की क्या कहानी है, ये सारे सवाल अब मुझे परेशान करने लगे। अगले कुछ दिनों तक मेरी तबीयत भी खराब रही, जिसके चलते मैं मामा जी के साथ नहीं जा पाया। फिर जब मेरी तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो मैं अपने दूसरे साथियों से मिला और उनसे NS2 के बारे में जानने की कोशिश की। खैर कुछ ज़्यादा तो पता नहीं चला, मगर मेरे एक दोस्त ने बताया कि निमेश ट्रक ड्राइवर के साथ भी ऐसे ही कुछ पेश आया था NS2 पर। उस हादसे के बाद उसे ड्राइविंग छोड़नी ही पड़ी। थोड़ी और पूछताछ से मुझे निमेश का एड्रेस मिल गया, और अगले दिन ही मैं उस ट्रक ड्राइवर निमेश से मिलने उसके घर पहुंचा। उससे मिलने के बाद मुझे पता चला कि आखिर उसने ट्रक चलाना क्यों छोड़ा। दरअसल उसके दोनों पैर उस हादसे में नहीं रहे। जब निमेश से बात हुई तो निमेश ने बताया कि रात के 2 बजे के आसपास मैं NS2 पर पहुंचा, जहां मुझे एक JCB सड़क के बीचों बीच नजर आई। मैं ट्रक से उतरा ये देखने के लिए कि आखिर ये JCB खड़ी क्यों है। जैसे ही मैं JCB के पास पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ भी दी ये सोचकर कि अगर कोई आसपास मौजूद होगा तो मेरी आवाज़ सुनकर ज़रूर आवाज़ देगा, मगर मेरे 3-4 बार आवाज़ लगाने पर भी कोई नज़र नहीं आया। तो मैं वापस अपने ट्रक में आकर बैठा। मैं अभी ट्रक स्टार्ट करने ही वाला था कि वो JCB एकदम से अपने आप ही स्टार्ट हो गई, और देखते ही देखते मेरे ट्रक को जोर से टक्कर मार दी और मेरा ट्रक एकदम से पलट गया। चोट तो मुझे बहुत आई, मगर मैं अभी भी होश में ही था। मैं जैसे तैसे ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश कर ही रहा था कि मुझे 10 से 12 लोग मेरी ही तरफ आते हुए नजर आए। पहले तो मुझे लगा कि मेरी मदद के लिए आ रहे होंगे, मगर जब मैंने उनकी तरफ गौर से देखा तो पाया कि वो सारे तो पहले से ही मरे पड़े हैं, क्योंकि उन सभी में किसी का पेट फटा था तो किसी की आंखें बाहर लटक रही थीं। इससे पहले वो सभी मुझ तक पहुंचते कि मैं ट्रक से बाहर निकलकर वहां से भागने लगा, और जब भागते हुए पीछे पलटकर देखा तो मैंने पाया कि वहां पर कोई नहीं है, और तभी मैं किसी चीज से जोर से टकराया और वहीं नीचे गिर पड़ा। सामने देखा तो वही JCB मशीन थी। मैं सड़क पर चीखे चिल्लाए जा रहा था, मगर उस वक्त वहां पर कोई नहीं था।
और तभी वो जेसीबी मशीन मेरे पैरों के ऊपर से एकदम से गुजर गई। मुझे इतना ज्यादा दर्द हुआ कि मैं दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं एक अस्पताल में था और फिर मुझे पता चला कि उस NH2 पर एक बार मेंटेनेंस का काम चल रहा था जिसमें 10 से 12 लोग थे। सब कुछ सही चल रहा था मगर तभी दो ट्रक वहां पर आए और उनमें से एक ट्रक जेसीबी से टकराया जिसमें जेसीबी का चालक तो वहीं मर गया मगर दूसरा ट्रक वहां पर काम कर रहे मजदूरों को एकदम से कुचलते हुए सड़क से नीचे जा गिरा। उस हादसे में वो दोनों ट्रक ड्राइवर तो बच गए मगर 10 से 12 लोग खामखा मारे गए। और तभी से उस हादसे वाली रात से वो सारे मजदूर अपना बदला लेते आ रहे हैं। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।